हेलो दोस्तों, सल जी मगिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ग्रैंड i10 की जो लाइट साउंड का थ्रो कैसा है और रात में ये कैसी दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर आता है, इसमें LED है और इसके अंदर हेडलैम्प, स्पोर्ट्स मॉडल में हेडलैम्प और इसके साथ में फॉग लैम्प आते हैं। अगर आप मैग्ना मॉडल लोगे तो उसमें DRL और फॉग लैम्प नहीं आएंगे, ओनली हेडलैम्प आएंगे और इसमें इंडिकेटर रिफेंटर भी आएगा। मैग्ना में इसके अंदर टर्न इंडिकेटर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। और अगर इसके पीछे के इंडिकेटर्स की बात करें टेल लाइट्स में, तो वो भी देख सकते हैं आप। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक फीचर बताता हूँ इसका, जो इसके हेडलाइट का फीचर है। वैसे इसको ऑटोमेटिक भी कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह नहीं। तो भाई फीचर ये है, जैसे अपने चाबी लगाएंगे, देखो चाबी लगा ली और मैं हेडलाइट जला देता हूँ। ये अपनी कार स्टार्ट है, हेडलाइट जल रही है। तो अब जैसे मैं कार बंद करूँगा, हेडलाइट ऑफ हो गई, ओनली पार्किंग लाइट जल रही है। और जैसे मैं चाबी निकालूंगा, अभी भी पार्किंग लाइट जल रही है और अंदर की जो लाइट्स है ये ब्लू कलर में आती है, जो कि रात को दिखाई बढ़िया देगी। और जो पार्किंग लाइट्स है वो जल रही हैं और ये जल रही हैं। और जैसे मैं गेट को ओपन करूँगा, देख लेना आप डोर ओपन करते ही, ये देखिए बंद होगी। चलो मैं से भी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब मैं लाइट ऑन करूँगी, तो भाई इसके हेडलाइट के जो थ्रो की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं है, बिल्कुल बकवास है। अगर कोई सामने से आई बीम कर देता है तो लाइट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। और इसकी टेल लाइट्स भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको ना पार्किंग लाइट दिखाऊं, पार्किंग लाइट जलती है तब टेल लाइट्स का थ्रो कितना है, तो वो भी दिखा देता हूँ। तो ये जब ब्रेक लाइट जलेगी, वो ब्रेक लाइट सॉरी, जब पार्किंग लाइट जलेगी तब थ्रो आप देख सकते हैं। ये वीडियो में कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, नॉर्मली कुछ खास नहीं है। और आप देख सकते हैं नंबर प्लेट वाली लाइट, ये हैलोजन में आएगी, LED नहीं है। नंबर प्लेट रात को साफ दिखाई देगी इस लाइट में। तो अगर मैं आपको एक बार ब्रेक दबा के और दिखाऊं तो वो भी देख सकते हैं आप। ये पार्किंग लाइट है तो ब्रेक देख सकते हैं, तो देख सकते हैं इसका स्टॉप लैंप, वैसे इसकी विजिबिलिटी है। और अगर मैं आपको रिवर्स पार्किंग लाइट भी दिखाऊं तो वो भी देखिए, रिवर्स लाइट है वो भी आप देख सकते हैं। ये इतनी कोई खास नहीं है, यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। रिवर्स लाइट भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है, अभी जो हुंडई और की है उनकी दोनों की गाड़ियों की लाइट कुछ इतनी खास नहीं है। और मैं आपको अगर बैक कैमरा में लाइट दिखाऊं तो वो भी देख सकते हैं आप, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैमरा में ठीक दिखाई देता है, लेकिन नॉर्मलाइज से नहीं दिखाई देता इतना। तो आपको कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। और भाई जिनको भी जो भी ग्रैंड i10 लेने की सोच रहे हैं और लाइट्स देखना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो भाई मैं तो यही कहूँगा भी आप ग्रैंड i10 की लाइट्स ये चेंज करा लें, इसमें हाई वाट के बल्ब लगवा लें। मैं खुद लगाऊंगा थोड़े दिनों में, उसकी वीडियो जल्द बना दूंगा। और अगर मैं इसकी DRLs दिखाऊं ना, तो ये जो DRLs है देख सकते हैं आप, तो ये जब है ना अपने स्टार्ट करते हैं और हैंड ब्रेक डाउन करते हैं उस टाइम जलती है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, तो भाई इसके DRL का थ्रो है ना वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हर DRL में 5 LEDs आएंगी, इसके थ्रो में कोई दिक्कत नहीं है। अगर रात को गाड़ी खड़ी हो तो पार्किंग लाइट की बजाय आप DRL पे रखें, DRL ज़्यादा दिखाई देंगी। और ये वाइट कलर में आती है जो मस्त लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के अराउंड आप फॉग लैंप आप देख सकते हैं।
फोग लैंप से ना 0% थ्रो बढ़ता है, कोई फ़ायदा नहीं है फोग लैंप का। अगर आप लगवाने की सोच रहे हो तो मत लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।